बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद बशर फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची। आज मैं अपने एक बहुत ही आलीशान प्रोजेक्ट टेक मॉल के बारे में बात करूंगा, जो कि प्रीसेंट 5 में एरिया 7 के प्लॉट नंबर 194, 195, 196 और 197 पर मौजूद है। इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट देता जाऊँ कि आज 11 नवंबर को अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो फर्स्ट फ्लोर है, इसकी शटरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, उसके कॉलम डल चुके हुए हैं और इंशाल्लाह अगले 5 से 10 दिनों में इंशाल्लाह हम इसका जो है फर्स्ट फ्लोर का भी लेंटर डाल देंगे। नीचे बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा रेडी है। तो आज जो है मैं अपने टेक मॉल के जो स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी बिल्डिंग के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसकी क्या इंजीनियरिंग यूज़ की गई हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स लगाई गई हैं, टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, तो उस हवाले से जो है बात करूँगा। सबसे पहले जो वो मेरा टॉपिक है वो है मैक्स विंड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोई भी एक बड़ी बिल्डिंग है, जैसा कि टेक मॉल जो है ग्राउंड प्लस 12 का एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें विंड प्रेशर को हमने कंट्रोल करने के लिए पूरी एक जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। हमने पिछले 50 सालों में विंड प्रेशर को, कराची के विंड प्रेशर को देखा है, बैरिया टाउन के इस एरिया के जो है विंड प्रेशर को देखा है और ओवरऑल जो है पूरी दुनिया के और पाकिस्तान के विंड प्रेशर को जो है नोटिस किया है। एक इंस्टीट्यूट है अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट के रिसर्च से भी हमने बहुत फ़ायदा उठाया और इंटरनेशनल जो काफ़ी इंस्टीट्यूट है वो काम कर रहे हैं, तो उनकी जो ओवरऑल वर्किंग है उससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी कैलिफोर्निया की रिसर्च टीम ने भी इस पर वर्क करके जो है एक विंड प्रेशर को कम्प्लीटली कंट्रोल किया है। दूसरी जो है बड़ी चीज़, दूसरा जो पॉइंट है, हमने इसका डिज़ाइन जो है सेंसिमिक डिज़ाइन बनाया है। इसी तरह जैसे कि हमने विंड प्रेशर पर रिसर्च किया, सेम एज इट हमने सेंसिमिक डिज़ाइन पर भी पूरी एक रिसर्च की है। पिछले 50 सालों में जो अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत से दूसरे जो है कुदरती आफात आती हैं, तूफान आते हैं, जलजले आते हैं, तेज़ बारिशें आती हैं, तो उनको भी पूरी हमने एक वर्क किया है कि कराची में किस टाइम पर ज़्यादा बारिशें आई हैं, किस एरिया में। जैसे कि आजकल क्वेटा की ठंडी हवाएँ चल रही हैं, फिर जब कुछ अर्से में जब मानसून की बारिशें होती हैं तो सम टाइम जो है तूफ़ानी बारिशें होती हैं, तेज़ हवाएँ चलती हैं, तो इसलिए हमने इसका एक सेंसिमिक डिज़ाइन बनाया है। उस पर भी हमने कंप्लीट एक रिसर्च किया है, जो इसकी बेस है, हमने इस पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है, जो एक आम तौर पे आप लोग भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है किसी भी चीज़ की, वो बेस मैटर करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टेक मॉल की बेस है वो हमने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और वैसे भी बहरिया में जो तमाम तर कंस्ट्रक्शन होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है। हमने पिछले 50 सालों में जो अर्थक्वेक्स हैं उनको नोट किया है, तूफ़ानी बारिशों को नोट किया, तमाम तर चीज़ों को नोट करके इसकी बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है कि बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो ऊपर जो है बिल्डिंग वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इंशाल्लाह। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है लाइव लोड। बिल्डिंग की मजबूती बेस के बाद जो है विंड प्रेशर, उसके बाद बेस, उसके बाद जो है बिल्डिंग की मजबूती बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कल को इंशाल्लाह ये जो ग्राउंड प्लस 12 का हमारा प्रोजेक्ट है तो इस पर एक लोड आएगा, मुख्तलिफ इसमें शॉप्स आएंगी, ऊपर कॉरपोरेट ऑफिसेज आएंगे, फूड कोर्ट आएगा, तो उसमें जो है लोग आएंगे, उसके बाद उनकी एसेसरीज आएंगी, उनकी चीज़ें आएंगी, उनका फर्नीचर आएगा। तो हमने इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि हमने इसके जो एक लोड के असेसमेंट लगा के उससे 50% ऊपर रख के इसको स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसकी मजबूती। और अगर आपका कभी जो है वो बैरिया टाउन चक्कर लगे तो मलिक स्क्वेयर के सामने हमारे प्रोजेक्ट है, आप लोग इसको विज़िट करेंगे तो आपको देख के ही इसको फील होगा कि ये एक मजबूत इमारत है। अच्छा, चौथी बड़ी चीज़ जो है वो जो सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया है वो है फायर फाइटर सिस्टम। टेक मॉल में हमने कंप्लीट फायर फाइटर सिस्टम लगाया है, इसमें 4 मुख्तलिफ किस्म के डिटेक्टर लगाए हैं, हमने किसी एक डिटेक्टिंग सिस्टम पे रिलाय नहीं किया, हमने 4 किस्म के जो है डिटेक्टर सिस्टम लगाए हैं जो फायर जो इवन स्मोक को भी डिटेक्ट करेंगे और फौरन हमारा जो है फायर फाइटर सिस्टम अलर्ट हो जाएगा। उसके बाद बहरिया का अपना एक पूरा फायर फाइटर सिस्टम है, उसके बाद इसके सामने जो वाली रोड जो है वो एम्पटी रोड है, इसकी लेफ्ट भी राइट भी, पीछे हमारा एक और प्रोजेक्ट है डॉक्टर प्लाजा, तो उसके भी सेंटर में हमने एक ऐसी स्पेस रखी है जो फायर फाइटर आते हैं तो वो आसानी से जो ऊपर की किसी बिल्डिंग में खुदा ना खास्ता आग लग गई है तो वहाँ तक उनकी एक्सेस आसान होगी। और उसके बाद जो एमरजेंसी एग्जिट है उसको भी हमने कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाया है कि खुदा ना खास्ता अगर इसमें कोई फायर या स्मोक या ऐसा कोई हादसा पेश आता है तो एक कंप्लीट एग्जिट का सिस्टम होगा कि लोग एमरजेंसी एग्जिट आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। तो इसलिए आजकल चूंकि बहुत से केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत हमें अफसोस होता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे जो है बिल्डर्स जो हैं उनमें फायर फाइटर सिस्टम नहीं अच्छा होता और लोगों का जो है कीमती असासा जल जाता है। इसके बाद जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ जो मैटर करती है वो है CCTV। पूरी बिल्डिंग का तमाम इनर साइड, हर फ्लोर का, हर जगह का जो इनर साइड कवर होगी CCTV से, और इसकी आउटर साइड आपकी पार्किंग भी जो है इसे CCTV से कवर हो रही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टेक मॉल है बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जा रहा है, ये ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 50% जो है बुकिंग हो चुकी हुई है और बहुत थोड़ी जो है इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो आप लोगों से मेरा मशवरा भी यही है कि आप लोग जल्द से जल्द आएँ हमारे कैलिफोर्निया रियल स्टेट एंड बिल्डर का जीएम टावर में, जिना एवेन्यू में ऑफिस नंबर 3 है, वहाँ तशरीफ लाएँ, वहाँ आपको बुकिंग की जाती है। इसके बाद हमारा थीम पार्क के सामने भी साइट ऑफिस है, इसके अलावा हमारा टेक मॉल के बिल्कुल पास ही मलिक स्क्वेयर के सामने भी हमारा जो है वो साइट ऑफिस मौजूद है। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग जो है वो हमारे कैलिफोर्निया रियल स्टेट एंड बिल्डर के काम को देख सकें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।